मजा आया शॉपिंग करने में, मजा आया। हेलो हाय दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी मंदिर और सांका सोम बाजार। आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं आज आपको दिखाऊंगी हमारे घर के पास है जो वैष्णो देवी मंदिर और यहाँ का सोम बाजार। मेरे वीडियो में बने रहिए। नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो माता के मंदिर जो हमारे घर के पास है, जय माँ वैष्णो देवी, हम जा रहे हैं वैष्णो मंदिर। आइए मेरे साथ, आपको वैष्णो मंदिर के दर्शन कराती हूँ मैं आज। वैष्णो देवी का जो मंदिर है ये है जो भी वाला रिंग रोड चौक पे, और ये इधर पड़ते हैं दोस्तों। नवरात्र के पहले सुबह को हम आए हैं वैष्णो देवी के मंदिर जो है जोगी वाला चौक पे, मेरे घर के सबसे पास ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपने घर के मंदिर, घर के पास जो मंदिर है उसे दर्शन करूं, फिर आगे नवरात्र कंटिन्यू। आज मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ के सोम बाजार। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है, किस प्राइस में मिलता है, और ये भी हमारा लोकल बाजार है यहाँ का। सेब कैसे दी? कितने कप लेगी? 250 का। अब ठीक है, रायस को सेट कितने रहता है? इधर मिनिमम कांच का नहीं है, कांच के थे अच्छे लग रहे, ले ले। बहन यहाँ पे किटी पार्टी के लिए बर्तन दे दिया, घर तो महंगा बन गया पर बर्तन सस्ते चाहिए इसको। ये थोड़ा ना देख लूँ मैं अभी, ये 600 का बताऊँ। अगर आपको उसे घर में दिखाई देगा दोस्तों समझ लेना इसने लिया है। ओके वही तो शराब। ये वाली कितनी? इसमें और भी है घर में हमें क्या? हाँ तुझे वही दूंगा। भाई कॉप अच्छा लग रहा है यार, वही मैं बोली थी मैं यहाँ से और चाहिए। ओ भाई कॉफी में कितना अच्छा लग रहा है। सर तेरे 5-6 रुपये कप ये बोना जरूरी है, दे रहा उस कप से अच्छा ही है, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे रंग बिरंगे। कितने के हैं? मुझे भी अच्छा लगा, ले जाओ फिर खा दो। ये ढक्कन वाले कौन से? नहीं ये तो इसके भारी है यार, ये कब के ढक्कन है? कब के ढक्कन भी है? नहीं नहीं कब के ढक्कन नहीं है, वो किसी और चीज़ के होंगे ना। येलो ऑरेंज है ना? हाँ येलो ऑरेंज का पेयर बना ले। तो बोलना जल्दी, मैं जाऊँगी नहीं, जल्दी बोल। हाँ ये भी अच्छा है, कितने का बताया? ये 150 रुपये का सही है। कितने का है? 250 का। ये पहले नहीं लग रहा बर्तन की दुकान, आजकल दिख रही मुझे, पहले नहीं थी ना। अब दिवाली नहीं आने वाली, अभी आई है। खाली दिवाली के लाए आप यहाँ? खाली दिवाली के लाए ये बर्तन? बर्तन की दुकान मैंने पहले नहीं देखी सोम बाजार में। यहाँ पे नहीं। अच्छा बहुत बड़ी खुली है यार, यदि कितने सारे बर्तन है वहाँ पीछे। दोस्तों ये नई दुकान खुली है हमारे सोम बाजार में, आना हो तो आ सकते हो आप बर्तन लेने। दिवाली की शॉपिंग करो रीजनेबल प्राइस में। एक डब्बा है क्या? ये क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस क्या था? ओके अब तो थाली भी अच्छी है, 40 रुपये की थाली है दोस्तों यहाँ पे, देखो छोटी सी प्लेट। मैं वही बोला था ना चॉपर दें, चॉपर तो सबसे चॉपर नीचे है जी, कितना सुंदर लग रहा है। टिफिन सेट, डाइनिंग सेट वरना मुझे ये बेचना लग रहा है, पर ये किसी काम का नहीं है, ये तो फिर भी काम आ जाएगा। बहुत छोटा हो गया ना, लेकिन इतनी खुश क्यों हो रही तू? हाँ टाइम बाद शॉपिंग की, मज़ा आ गया। बस शॉपिंग टैंस उड़ाने में मज़ा ही आता है बहन,
कमाने में लगता है मेहनत। कब से ढूंढ रही कब? एक साल हो गया कब ढूंढ रहे हो? बाप रे दोस्तों, आज मेरी बहन को कब से कब ढूंढ रही थी, आज इसकी मेहनत सफल हुई और नवरात्र के पहले दिन इसकी मेहनत सफल हुई है। इसको एक साल से, कितने साल से, एक साल से कब ढूंढ रही थी? यस, एक साल से कब ढूंढ रही थी और इसको अब मिला है। आज देखो कितनी खुशी हो रही है उसको। अच्छे हैं टमाटर, इनके 50 के टमाटर है, इनके 40 के हैं। जी भी लेना है क्या? तो ले रही हूँ, आधे किलो ले लें बस। सर अदरक मुझे भी लेने दो, एक पाव अलग अलग कैसे पकड़ना। बैग कैसे थी अदरक? 30 रुपए पाव या 20 रुपए पाव। लहसुन? लहसुन 30 रुपए पाव, 20 रुपए। लहसुन तो आजकल जरूरत नहीं, आज काल भी लेंगे। पकड़ दो कि बाबू लहसुन एक लेना। कैसे दिए धनिया? 10 रुपए पाव। किसी भी धनिया नहीं चाहिए? कैसे दिए धनिया? 10 रुपए। अच्छा और कुछ ले लो बहन, और कुछ ले लो बर्तन वाले, दिवाली के कपड़े भी ले चलो ना यहाँ से। कपड़े तो हम मार के ही पहनते हैं, ऐसा बोलो। कैसे कपड़े कहाँ से लोगे तुम? पैसे फिक्स ही लेंगे हम कपड़े। Okay. मतलब पहनने को अच्छा चाहिए और खाने को सस्ता चाहिए। बर्तन तो तुमने मेहमानों के लिए बड़े सस्ते ले लिए यहाँ से। यहाँ इतना भी सस्ता नहीं था। कितना सस्ता था? तुम्हें एक साल की खोज पूरी हुई आज तुम्हारी। चप्पल ले लो चलो, तुम्हारे घर के लिए अंदर बाथरूम के लिए चलो। सही में अच्छे हैं सेल से, यहाँ से ले ले चप्पल अंदर के लिए। ऐसे लेना, ऐसे खुले खुले वाले। पूछ कितने के हैं? ये नहीं रहने, सही नहीं है अंदर पहनने के लिए। प्लास्टिक प्लास्टिक तुम्हारा वो खुले बेकार है, दो टूट गया ऑनलाइन जो मैंने लिया। अच्छा नहीं है पसंद से अंदर पहनने के लिए बढ़िया है। मेरी बहन तो क्या ढूंढने चली यहाँ पे, क्या कुछ ये चीज है तेरे को? डस्टबिन कितने का है? तू घूर दिया। चलो नहीं है मेरे पसंद। ट्रे ले ले, कब तो ले बड़ा वाला ट्रे, तुम टपर यूज करोगे? ट्रे यूज करेंगे टपर वेयर का, कप यूज करेंगे? 250 की सेल लगा है। हमारे साइज का भी है कुछ? आपके साइज का भी है? मोटे लोग के लिए नहीं है कुछ, खाली पतले लोग के लिए है बस। कितने के हैं कप? बुढ़िया वो 30 रुपए के। अच्छा मेरी बहन पता नहीं कहाँ गई, क्या ले रही है? अब साफ करने के लिए 10 रुपए में हथियार ले लीजिए अपना। ब्रिजेश भैया जा रहे हैं वहाँ पे, क्या ब्रिजेश भैया गाड़ी में लेना है क्या वाइपर? तो ले ले, तुझे लेना है तो एकदम बग्गे। इतने कमरे में वाइपर चाहिए तुमको? क्या गुल्लक है? कहाँ है काला गुल्लक भाई? भाई वो मम्मी लोग का बक्सा है जिसमें मम्मी लोग पैसे छुपाते, वो देखो। लोग सोचेंगे सब्जी वो है, दाल धूल है, यहाँ गुल्लक है। तो ये किचन में लोग पैसे नहीं छुपाते हैं, वही है ये देख। ये कितने के? कितने का स्टील का गुल्लक? ये वाला 10। पर हमारे पास स्टील का बर्तन नहीं है, एक स्टील का गुल्लक अलग ही चमकेगा पक्का, इसमें कुछ है बोलेंगे पैसे। सारे प्लास्टिक ही यूज हो रहे हैं अब तो। नहीं ले रही क्या? नहीं ले रही, मेरा कंधा दर्द हो रहा बैग से। चल बहन अब कहाँ चलू मैं, तेरे को एक चीज दिखा रही थी, चूड़ी रखने वाला डब्बे कितने का है? 40 का 70 के 2 दे दो मुझे, 70 के 60 के 2 दे दो मुझे चूड़ी रखने के लिए। ये तो खुला करके कम नहीं करोगे क्या? इसका ये फटा भी देखो बाहर से पन्नी, ये उससे कोई कितने का बोल रहे? 70 के 2 बन दो निकाल दो मुझे।
अरे सही है, चूड़ी रखने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही खाली इधर। तो फाइनली मैंने कुछ शॉपिंग कर ली है यहाँ से, अपने लिए ली है मैंने चूड़ी रखने के दो डब्बे प्लास्टिक के, स्टील के भी है क्या? कर दो ना भैया, वैसे पुराने हो रहे हैं आपके दोनों कप पहन दो, फिर आप नहीं लगा रहे ना, बड़े गंदे आप। नहीं चाहिए भैया, फिर अगले बार लेंगे दिवाली में। बहन क्या ढूंढी? नहीं है वहाँ कुछ, पता नहीं क्या क्या ढूंढी वहाँ अंदर, पता नहीं क्या चाहिए, क्या ढूंढी बहन? कर रहे हो 60 रुपए? कर दो ना भैया प्लीज, खरीद भी नहीं आ रही, खरीद देखो पुराने हो गए डब्बे, कहाँ गिर जाओगे आप उसे कसीट के? कल ही तो माल आया, हमने कहते इतने लिए पुराना हो, यहाँ आज के तो दिन है ना, फिर कल से फिर पुराना हो जाएगा वो। चलो दे दो। हाँ बोल रहे हो? हाँ बोल रहे यार भैया, नहीं तो उसका आप रे मालिक कहाँ कर रहा, 60 रुपए तो नहीं कर रहे ना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। पिटाई को हिसाब पकड़ना इसको जरा, पूरा हिसाब देना पड़ता है उन्हें, क्या पता कितना सामान है यहाँ पे, पढ़ी लिखी औरत है, नुकसान को सारा हिसाब उसी को देना पड़ता है। ओह नुकसान यहाँ पे ऐसा हो रहा है आपका, इसलिए हिसाब देना पड़ता है ना, तो उसे पता चल जाता है। उन्हें पता कितना सामान आप लाए हो दुकान में इतनी 100 रुपए में से? मालिक कैशियर तो मेरी वही है। ओह ठगा दे आप हमें, पैसे लेके मैं थोड़ी भी नहीं मांगूंगा, अब जितने शाम को बेचे शाम को उसे दे दिए सब सामान, उस पैसे को दे देगा। हां जी आप तो बहुत अच्छे हो भैया, आपको कितना मिलता? 50 रुपए? 50 ठगा रहे, चाय तो आप 10-10 की पिए तो 4 बार। 5 रुपए की चाय? 5 रुपए की चाय कहाँ मिली भैया? वही तो आज के तो 5 रुपए चाय कहीं मिली नहीं ना, आप लोग 60 रुपए काट रहे इसके। ऐसा है हम दुकानदार है ना, हमारे लिए 5 रुपए की, अच्छा हमको 10 रुपए की है, आपको 10 रुपए, 5 रुपए की 5 चाय पियोगे आप, 25 रुपए तो गए आपके। तो यहाँ तो अभी शाम को ही लगता है खाली, मैडम ऐसा है हमारा। तो 40 रुपए क्या करते फिर आप, 40 रुपए का वो अलग गुल्लक में डाल देते जब बच्चे आते हैं तो। ये पान भी तो खा रहे हो मुंह में दबा के। पान नहीं खाते हम, सब गोल्डन खाते हैं। हाँ गोल्डन, इसके तो पैसे लग रहे होंगे 10 रुपए। ऐसा है चाहे हम उसे 50 रुपए देते हैं या कुछ करें तो सिर्फ 50 रुपए रोज के देते हैं। बेकार है भैया, आपको इतना मेहनत करके नुकसान, खाली 50 रुपए मिल रहा, सिर्फ 50, खाली हमको ठगा रहे आप। घर का खर्च भी चला रही होगी ऐसा, घर आप उन्हें देते भी नहीं हो ना घर का कुछ खर्चा पाने। जब मालिक जब पूरी रकम वो रख रही है, मुझे करना क्या ये बताओ। मेरा डब्बा पकड़ लिया क्या प्लास्टिक वाला? नहीं पकड़ा मैंने। कहाँ है उस डब्बा? वही पकड़ दिया। अरे आपने यहाँ पे क्या रखा हो रास्ते में बताओ? मालिक मेरा, मालिक मेरा सामान फिर वापस दे देता। पन्नी नहीं है, कैसे जाएंगे फिर? ऐसे ले जाएंगे क्या करें, तब 10 रुपए तभी तो कम करें। ठीक है भैया, आपकी कहानी सुन के हमें बहुत दुख हुआ। तो यार दुख नहीं होता क्या ऐसे कहानी सुन के? ए हाय गाड़ी आ रही, और ये मेरी बहन बहुत ही शॉपिंग कर ली इसने आज। ऐसे दिवाली में यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं यहाँ दिवाली में, और कितनी खुश हो रही सामान लेके, वाय गार्ड इतनी खुशी। तो एक साल से पैसे जमा कर। ओके दोस्तों, तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, और ये है मेरी बहन, मेरे पीछे हथियार लेके खड़ी है, और ये था मेरे पीछे मंडे मार्केट। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब। नो वॉचिंग प्लीज, नो वॉचिंग बोलिए, ऐसे वॉच मत करना आप, ठीक है? ओनली वॉच मी, और सबसे ज़्यादा व्लॉग में यही दिखाई देगी आपको, इसीलिए बोल रही हूँ नो वॉच पकड़िए। नो वॉच नहीं होता मैन। ओके बाय बाय। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं सोम बाजार से घर, रात का व्लॉग यही एंड करते हैं, बाय बाय। नीतू आइए 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 आइए, मेरा सामान देखिए, हमने मंडे मार्केट से शॉपिंग की है, इससे रहने के आपको अपना सामान दिखाने बुलाइए। आइए आइए, बबी तो पाल बहुत खुश है, उसने मंडी से आज बहुत शॉपिंग करी है, और ये पुतड़ी भी बहुत आज तो बहुत दुकान दी गई है यार वहाँ पे। हाँ
आज बहुत बर्तन कपड़े सारे कपड़े भी हुआ गर्मी की लग रही है। एक पतेड़ी कर दे कैसे कर दे मेरी पतेड़ी मेरी ये मजा आया शॉपिंग करने में। सैली फिर से सैली मजा आया शॉपिंग करने में मजा आया। नहीं कम नहीं कर रहा यार ये प्लास्टिक वाले ब्रेड कम नहीं कर रहा। मैंने पोछा मारा ओ आ गया सैली कैसे हुआ मजा आया बबी मौसी को।